रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल 2021 में पूरी फॉर्म में नजर आ रही है। आरसीबी की टीम 3 मैचों में 6 अंकों के साथ अंक तालिका में सबसे पहले स्थान पर पहुंच गई। 18 अप्रैल को टीम ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 38 रन से मात दी। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ग्लेन मैक्स और एबी डिविलियर्स की आक्रामक पारियों के बूते 204 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। फिर गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से आरसीबी ने केकेआर को 20 ओवरों में 8 विकेट पर 166 रन बनाने दिए। केकेआर की 3 मैचों में दूसरी हार है। इस मैच में केकेआर के सबसे बड़े बल्लेबाज जैसे दिनेश कार्तिक, आंद्रे रसेल और इयान मॉर्गन नाकाम रहे। कोलकाता को रसेल से आखिरी ओवर में काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वे भी कुछ ना कर सके। 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर वे एक रन ही बना पाए। इस दौरान उन्होंने हरभजन को स्ट्राइक तक नहीं दी। हरभजन सिंह बड़े शॉट लगाने के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन रसेल ने उन पर कोई भरोसा नहीं किया। केकेआर को आरसीबी के खिलाफ आखिरी 12 गेंदों में 44 रन की जरूरत थी, तब विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज को मोर्चे पर लगाया। सिराज ने कमाल की प्लानिंग के साथ बॉलिंग करते हुए रसेल को ऑफ साइड में यॉर्कर लेंथ पर गेंदबाजी की। इस पर रसेल का बल्ला कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बड़े शॉट भी नहीं आए। इस पहली गेंद पर रसेल का शॉट थर्ड मैन के पास गया, लेकिन उन्हें रन नहीं मिला। उन्होंने हरभजन को दौड़ने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। अगली 4 गेंदों पर भी ऐसा ही हुआ। हरभजन मूक दर्शक बने नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहे। इस तरह से ओवर की 5 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। आखिरी गेंद पर भी एक रन बना, तब रसेल दौड़ गए। इस तरह से हरभजन के लिए वो कुछ भी नहीं कर पाए, ना ही हरभजन स्ट्राइक पर आकर कुछ बड़ी हिट्स लगा पाए। इसके बाद आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हर्षल पटेल ने आंद्रे रसेल को बोल्ड कर दिया। वे 20 गेंदों में 31 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके 2 छक्के शामिल थे। इस ओवर में उनकी जो 5 गेंदें खाने की बात हुई थी, इस वजह से हरभजन का मुंह बना हुआ भी नज़र आया। हरभजन ज़रूर उनसे नाराज़ होंगे, क्योंकि वो ये बात जानते थे कि आंद्रे रसेल उन बॉल कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या पता हरभजन कनेक्ट कर पाएँ। इसी वजह से काफ़ी सारी उन दोनों के बीच में मतभेद आ ही गई होंगी। आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपका इस मामले के बारे में क्या कहना है। क्या हरभजन को स्ट्राइक देनी चाहिए थी या फिर नहीं? कमेंट ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें चैनल देखो देखो को।